तो आइए दोस्तों, ये है मेरे पास Redmi Note 6 Pro। इस पे आ गई है न्यू अपडेट। अपडेट का वर्जन है 12.0.4.0, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर देखिए अवार्ड फोन जो लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ अपडेट, तो उस पर मैं क्लिक मारता हूँ। जैसे उस पर क्लिक मारूंगा तो ये मुझे लेके जाएगा डिवाइस इन्फॉर्मेशन में और सिस्टम अपडेट जो ऊपर है, लेकिन यहाँ मैं डिवाइस इन्फॉर्मेशन में दिखा रहा हूँ Redmi Note 6 Pro MIUI 11.0.7.0 जो है, और इसको जो अपडेट मिली है 5/1/2020 की अपडेट है, जो कि बहुत पुरानी अपडेट है। और आपको पता है ये फ़ोन ही बहुत पुराना है, तो मैं सिस्टम अपडेट पर क्लिक मारा। ये फ़ोन इतना पुराना है फिर भी इस पर अपडेट Redmi की तरफ से दिया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखिए सामने ही आपके यह अपडेट दिखा रहा है 12.0.4.0, और स्टेबल अपडेट है 680 MB की अपडेट है, और सिस्टम में कुछ चेंज किया गया है इसके, जिसके बारे में नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको इसके फीचर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ नया फीचर ऐड किया गया है। और यहाँ डाउनलोड नाउ पे बोल रहा है क्लिक मारने को, डाउनलोड अपडेट पे, तो मैं उस पर क्लिक मारा। जैसे उस पर क्लिक मारा तो मुझे एक ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ देखिए, क्या अभी आप वाईफाई में नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं? तो हाँ, मैं मोबाइल डेटा से डाउनलोड करना चाहता हूँ। और आपको याद रखना है कि आपका जो है नेट स्पीड अच्छा होना चाहिए और बैटरी जो है 50% से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपडेट की। तो मैं इसको लगा दिया अपडेट, यहाँ देखिए 2% हो गया है। मैं इसको अब आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊँगा, तो यहाँ देखिए 98-99% हो गया है, क्योंकि ये टाइम लगता है अपडेट होने में। आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना अपडेट पर लगाने के बाद, और मैं सब करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपको स्टेबल करके दे रहा है, उसके बाद भी टाइम लगता है, लेकिन आपको इसको छेड़खानी नहीं करना है और आपकी बैटरी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। रिबूट नाउ का ऑप्शन आ गया है, रिबूट कर लो आप अपने फ़ोन में, इसको स्टेबल कर लो। जैसे ही रिबूट पर मैं क्लिक मारा, कुछ सेकंड लिया, उसके बाद देखिए जो भी है वो मैं सब आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है और कितने समय में ये अपडेट होती है। कुछ जगह पे फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ तो उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम लगने वाला था, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। यहाँ देख सकते हैं चालू हो गया अपडेट होना। यहाँ भी फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाता है। और अब देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन है, लेकिन फुल कंडीशन में है, कोई फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, अच्छे से यूज किया जा रहा है, तो ये हो रहा है। फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसको अपडेट करने में। और आपको मैं इस अपडेट के बाद जो वीडियो आएगी उसमें सारे फीचर के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से नए फीचर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ देखिए फिर से Redmi की ब्रांडिंग आई और पावर बाय एंड्रॉयड बता रहा है। उसके बाद ये फ़ोन चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सक्सेसफुली हुआ कि नहीं, उसकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर न्यू ऐड किया है। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।